नमस्कार, मैं विष्णु कुमार। तो दोस्तों, एक बार फिर मुझे आप लोगों के बीच में आना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग फिर से भेड़ बकरियों की चाल में लग चुके हैं। क्योंकि कुछ ही ऐसे भेड़ बकरी हैं जो चाहते हैं कि उनके साथ आप भी पीछे पीछे दौड़ें, तो वो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। और आप लोगों को भी इन सब चीज़ों से सतर्क रहना है, क्योंकि जिस तरीके से 5 मई को केरला स्टोरी आई है और हमारे यूथ्स जो कि हॉल में नहीं जाते हैं, वो तो मुझे ही पता है, वो सब डाउनलोड करके ये फिल्म देखते हैं। वो जो केरला स्टोरी जो आई है वो सिर्फ इसीलिए आई है क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है। मैं खुद राजपूत हूँ और मैं खुद ऐसा ही तर्क वितर्क करके बात बताऊँगा आप लोगों को, जिससे आप लोगों को लगेगा कि हाँ भाई, इसने सही बात बोली है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है जो कि की गई क्योंकि साउथ में अभी वैसे ही इलेक्शन शुरू होने को है और इलेक्शन चल रहे हैं, तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा की तौर पे आई है। और इसमें दिखाया गया है, सबसे पहले तो एक टीज़र रिलीज़ हुई इसके तरफ से, द केरला स्टोरी के फिल्म डायरेक्टर के तरफ से, और उसे भी जानना चाहिए कि ये सब चीज़ें पास्ट में होती थी, अब पास्ट में हुई है, और ये अगर होती है तो उस पर हमें जागरूकता लानी है, ना कि ऐसी रियलिटी देखनी है। और ये मैं आपको बता दूँ कि जो ट्रेलर जो रिलीज हुआ था उसमें साफ साफ गलत दिखाया गया था कि 36,000 केसेस थे ऐसे करके बताया गया, जिसे साफ साफ रिफ्यूज़ किया गया। एक गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था, जिसके पेटिशन ये दायर किया था हाई कोर्ट में कुछ समाज के लोगों ने, और तो फिर उस पता चला कि और ये गलत है, तो उस पर ये बैन लगाने की कोशिश की, बट उन्होंने बोला कि मैं इसे बता दूंगा ये कि फिक्शन है, ये टोटली फिक्शन है। बट एक छोटा सा ये लाइन आता है, उस 10 सेकेंड के लाइन्स को कौन पढ़ता है? फिल्म देखने जाते हो तो आप भी नहीं पढ़ते हो कि मैं भी नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि वो अगर बड़ा सा अगर सेंटेंस में है तो उसके आप कितने वर्ड्स पढ़ते होगे, तब तक वो तो ड्यूरेशन चला ही जाता होगा और वो स्क्रीन पर से हट जाता होगा। तो इससे आपको ये नहीं पता, आपको लगे सब ये रियलिटी है, वो कहीं साइड में कोने में लिख दिया कि ये फिक्शन है, बट वो फिक्शन नहीं होता है। और क्या कहूँ मैं, पॉलिटिकल मुद्दा इस प्रकार से बन रहा है, जिस देश का प्रधानमंत्री यूँ कहूँ चौकीदार, जब चौकीदार ही ऐसी बात करेगा तो क्या ही इस देश की रक्षा होगी। मतलब कि अभी यहाँ पे ये बोला, ये कौन थे मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट वो जम्मू एंड कश्मीर के वो क्या, उन्होंने अभी इनका पोल खोल ही दिया, बट अभी ये क्या भाषण दे रहे हैं, इन्हें खुद ही नहीं पता है कि देश में, नहीं पता है कि यूथ्स में ये कितने ये गर्माहट लाएगी यूथ्स में, कि यूथ से कभी भी दिल से नहीं सोचते हैं, उन्हें सीधे लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है और वो सीधे वो उनका प्लेटफॉर्म चेंज होता है गुस्से की तरफ, और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे एक समाज और दूसरे समाज के बीच भाईचारा की भावना लानी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ दिखानी चाहिए जिससे कि भाईचारे की भावना आए। अगर ये चीज़ अगर पास्ट में ऐसा हुआ है तो ये दिखाएं, वो सही है, मुझे लग रहा है सही है, लेकिन अगर वो आप कर रहे हो तो बीच बीच में आप डिस्क्लेमर दिया करो बीच बीच में कि ये फिक्शन है, ये एक्यूरेट डाटा नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ये इंटरटेनमेंट के दौर पर रिलीज किया पर बट ऐसा नहीं होता है, जिससे कि ये लगे। अगर आपका खून खोल भी रहा है फिल्म देखने के दौरान 30 सेकेंड या 1 घंटे के बाद वो डिस्क्लेमर आ जाए, तो फिर आप डाउन टू अर्थ हो जाओ, फिर आप अगर एक्साइटेड स्टेट में गए हो तो आप ग्राउंड स्टेट में आ जाओ। बट क्या बोलूँ पीएम हिमसेल्फ हैज एलिग्ड दैट ओनली दोज हु सपोर्ट टेररिज्म विल क्रिटिसाइज सच अ फिल्म और मूवी। समझ रहे हो, इनका ये कहना है कि वही लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। अब क्या ही बोलूँ भाई, ये चाहते हैं कि देश में दंगा हो और इन्हें पॉलिटिकल मुद्दा मिल जाए। अभी तो वैसे ये देख नहीं पा रहे हैं किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को बढ़ते हुए, और कितना सटीक या काम करते हैं कि किसी अन्य अपने अपोजिशन में जो भी इनके पॉलिटिकल लीडर हैं जो कि कुछ अच्छा कर रहे हैं या फिर कर सकते हैं या फिर इन्हें हटा सकते हैं या फिर इनकी पोल खोल रहे हैं, वो लोग उन पे ये ऐसा केस लगाते हैं जिससे कि वो उतना ही ड्यूरेशन का केस लगाते हैं, मिनिमम ड्यूरेशन, जिससे कि उनकी ये पॉलिटिकल ये क्या कहूँ तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाए। मैं जान रहा हूँ, आप लोग भी जान रहे हैं मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, पर वो बताने की मुझे जरूरत नहीं क्योंकि इनका पोल खुल रहा है। तो इन सब इनके पास कुछ बचा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं हिंदू मुस्लिम टेररिज्म में, और ये हो गया इंडिया पाकिस्तान, बस इनके पास यही मुद्दा रह गया है। आप इनसे पूछो कि विकास क्या हुआ है, विकास हुआ है या नहीं हुआ है, कुछ अगर कुछ भी नहीं हुआ अभी तक विकास इस पूरे देश में, सिर्फ ये ऐसे ही करते रह जाएंगे। और सबसे पहली बात तो ये यूथ के बारे में कुछ सोच रहे हैं, आप खुद समझ रहे हो कि SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में ऐसी इतनी बहाली कभी नहीं आती थी, जिसने भर भर के बाहर ये वैकेंसीज आ रही है, वो क्यों आ रही है, वो सीधे सीधे आपको पता चले वो लालच दे रहे हैं कि ये मैं दे रहा हूँ, मुझे 24 में फिर से मुझे जिताओ।
तो आप समझ रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग यही होनी चाहिए कि हमें अपने कम्युनिटीज़ के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, जिससे कि वो अगर ऐसा चीज़ अगर होता भी है तो उसे जागरूकता आई जागरूकता आनी चाहिए। जैसे कि वो एक ऐसा ही मैटर हो गया जैसे कि सिख लोगों के साथ हुआ था वहाँ पे पंजाब का, वो जो मैटर था जिन्हें खुद के बॉडीगार्ड ने, इंदिरा गांधी खुद के बॉडीगार्ड ने उन्हें शूट कर दिया था, लेकिन इसका खामियाजा पूरे कम्युनिटी को भुगतना पड़ा कि हाँ भाई सिख खराब होते हैं। तो ये फिल्म कुछ ऐसा ही दिखाने की कोशिश कर रहा है। पर डायरेक्टर तुम भी ये समझ जाओ कि ये जो भी सदी में ये फिल्म रिलीज हो रही है वो क्या आप कर रहे हो, नहीं पता है ये सोशल मीडिया कितना ये आप अगर कल के आप ट्रेलर में बोल दो कि ये सब फिक्शन है, बट बहुत सारी जगह पर ये टेलीकास्ट हो रखा होगा, तो फिर उसमें वो आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। और आपका तो ये कोशिश ही है, और ये जैसे ये हो रहा है खुद इसे प्रधानमंत्री ने आके ये प्रमोट कर दिया। आप समझ सकते हो किसी देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री ऐसे आके बात करें, मैं क्या ही बोल सकता हूँ, मुझे क्या ही बोलूँ मैं कि ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए कि ये वही इस फिल्म को ये कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। कितना गलत है ये, किस तरह से लग रहा है कि ये एक पढ़े लिखे आदमी का ये है, और कुछ दिन पहले आके दिखा रहे हैं अमित शाह की ये देखिए इनका सर्टिफिकेट है, ये सब डिग्रियाँ इनके पास हैं। मैं क्या ही बोलूँ, आप इतने बड़े पद पे हो, मैं आपको कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ, मुझे खुद को ख़राब लगेगा इंटरनेशनली। अगर कोई अगर इसे अगर देखेगा तो उसे उन्हें क्या लगेगा कि क्या भाई यहाँ के PM ही चाहते हैं कि इस देश में दंगा हो या क्या हो, आप लोग खुद समझ रहे होगे। मैं तो बोलूँगा नहीं, मुझे भी पता है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, मैं इतना ही बोल रहा हूँ। और लेकिन हम लोगों को जागरूक होना है, कोई कुछ भी आके बोल रहा है, कहीं पे भी कुछ सोशल मीडिया पे बोल रहा है, लेकिन हमें ये जानना है कि मैं फिल्म देख रहा हूँ इंटरटेनमेंट के माध्यम से देख रहा हूँ, इससे आगे कुछ नहीं। और कौन क्या कॉमेडी क्या कर रही है उसे हमें बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, तब तक नहीं लेना है जब तक ये पॉलिटिकल मुद्दा है। हमें लेने देने के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, और हमारे बहुत सारे ये रक्षक भी हैं जो कि जैसे आर्म फोर्सेज हो गए हैं या स्टेट पुलिस हो गए, तो वो सब किस दिन काम होंगे जब हम लोग ये जिम्मेदारी ले लेंगे। हम लोग का जिम्मेदारी ये सिर्फ व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी तक नहीं रहनी चाहिए, उससे आगे रहनी चाहिए। और आप सबसे पहले या PM मोदी से ये पूछो कि आपने क्या किया है इतने सालों में, आपने क्या किया है जिससे व्यक्तिगत कुछ फ़ायदा हुआ होगा, व्यक्तिगत क्या फ़ायदा हुआ है किसी को भी, या तो वो यूथ हो या वो कोई और, या तो वो कोई और अलग एज ग्रुप में हो, व्यक्तिगत इन्होंने क्या किया है सबसे पहले आप इनसे पूछो। तो ये सीधा सीधे आके बोलेंगे 370 हटाया, तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक किया, और भी क्या, हाँ राम मंदिर बनवाया, और यही कुछ किया। तो इसे व्यक्तिगत आपको तो पता ही चल रहा होगा क्या आपसे आपको फ़ायदा हुआ है। स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया ये बोलेंगे 183 मीटर, तो उसे क्या हो गया भाई, 183 मीटर बना ही लिए तो। और उसे बता रहे थे कि लगभग 50 से 60 वर्ष लगेंगे, बहुत ये मतलब कि जो इनकी ये डेटा निकालते हैं वो होता है 50 साल या 100 साल, क्या ऐसे कुछ डेटा आए थे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का पैसा निकालने में इतना टाइम लग जाएगा। समझ रहे हो आप कि पैसा निकालने में इतना टाइम लग जाएगा स्टैचू यूनिटी, स्टैचू यूनिटी पूरा फेल हो गया है, और इससे मतलब कि देश में कुछ ऐसा काम नहीं हो रहा है जिससे आपको व्यक्तिगत कुछ फ़ायदा हो। तो व्यक्तिगत फ़ायदा के लिए कुछ सरकार को कुछ करना चाहिए, ना कि ये अपने यूथ को भटकाना चाहिए कि ये करो, लड़ाई करो, दंगा करो, बैन करो इस फिल्म को। एक तरफ तो एक समाज बोलिए कि इस फिल्म को बैन करो जिनके अगेंस्ट में ये फिल्म आया है, और एक तरफ एक समाज बोलिए कि मैं हमारे साथ गलत हुआ है। तो ये दोनों समाज में लड़ाई लगवाने का काम कर रहे हैं मोदी जी नहीं, मतलब कि ये फिल्म के जो डायरेक्टर्स हैं और जो भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो भी कोई अगर ऐसा बोल रहे हैं कि फिल्म को वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जो कि टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप ऐसा भाषण आके कहीं भी नहीं दें जिससे कि हमारे यूथ्स भड़कें और यूथ में ऐसी गर्माहट पैदा हो और दो समाज लड़ें, और आप बीच में अपनी रोटियां सेक के चले जाओ। आपने तो तावा का काम कर दिया और रोटी सेक के चले जाओगे, उसके बाद क्या होता है देश में आपको खुद नहीं पता है, लेकिन आपको ये इस चीज़ से आगे बढ़ना होगा। जात पात जातिवाद सभी से आगे बढ़ के आपको एक अच्छी काम करनी चाहिए, तो आपने वो तो किया नहीं, लेकिन आपको अब इस पद को खाली कर देना चाहिए, मुझे तो यही लगता है।
ठीक है, मैं हंस के बोल रहा हूँ, उसका मतलब ये मत समझ जाओ कि मैं सीरियस नहीं हूँ। मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। जैसा कि आपने बहुत सारी चीज़ों में किया है, एक तो मैं अग्निपथ ही स्कीम में ले लूँ वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा, और यूथ को भी अच्छा नहीं लगा। उसमें भी आपने बहुत सारे ट्रेन जले और ये हुआ, देश का कितना ये हानि हुआ, और ये फिल्म आई है तो इसमें भी दंगे फसाद हो सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ दोस्तों कि अब ये फिल्म आ गई है तो अब इसे बैन करने की कोशिश नहीं करें। जो भी चीज़ आपको गलत लगती है उस वो सी पॉइंट्स आप नोट करें और उसको रेज करें कि ये सब गलत है, तो जिससे कि वो पॉइंट्स फिल्म से हट जाए और उसके बाद वो फिल्म टेलीकास्ट हो कहीं भी, अगर सिनेमा में बहुत सारे सिनेमा हाउस तो इसे ये अपने वो अपने जगह वहाँ पे दिखा नहीं रहे हैं। क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि सिनेमा हाउस में वहाँ पे दंगे फसाद हो सकते हैं, जिसके कारण उनकी जितने की फिल्म वो अर्निंग नहीं कर पाएंगे उतने उससे ज़्यादा वो ये उनकी लॉस हो जाएगी। तो यही कुछ मैटर है, हमें एक साथ रहना होगा। जो भी भड़काऊ भाषण दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हमें भड़कना नहीं है, हमें कुछ सूझबूझ से सोचना है। और फिल्म वाले ऐसा चीज़ नहीं करे, अगर आप ऐसा इंटरटेनमेंट पर्पज़ से अगर दिखा भी रहे हो तो बीच बीच में आपको डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि इससे मुझे आगे बढ़ने का मौका मिल सके और मैं एक ऊँचे प्लेटफॉर्म में आके कुछ बोल सकूँ, अपना बात रख सकूँ। धन्यवाद।